हर हर महादेव। मैं सोनिया शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए श्री शिव महापुराण के कुछ चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपके घर में धन की बरकत नहीं है, कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, तो आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। आपने यह उपाय एकादशी के दिन करना है, सुबह के समय। एकादशी के दिन सुबह के समय एक लोटे में, एक पात्र में आपने गंगा जल लेना है थोड़ा सा। उसमें आपने 7 बेल पत्र डालने हैं और शिव मंदिर में जाकर वह जो गंगा जल है वो आपने शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने, जो नंदी भगवान होते हैं, वो जल आपने नंदी भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है और जो बेलपत्र हैं वो आपने शिवलिंग पर अर्पण कर देने हैं। यह उपाय मात्र आप एक या दो एकादशी को करेंगे तो आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी, कमाई में बढ़ोतरी होने लगेगी, व्यापार बढ़ने लगेगा। यह उपाय तब भी कर सकते हैं अगर आपको बार बार इंटरव्यू देने के बाद अगर नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर आपने एक लोटे में गंगा जल लेना है और उसमें आपने 11 तुलसी के पत्ते डालने हैं और फिर वो जो पात्र है, जो लोटा है, वो आपने किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में वो लोटा आपने रख कर आ जाना है। इससे आपकी जो नौकरी है वो जल्द लग जाएगी। तो आपसे निवेदन है, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर आप ये उपाय अवश्य करें और जीवन को खुशहाल बनाएं। ऐसे और भी शिव महापुराण के उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।